second chapter, 67th verse. Indriyanam icharitam yanmano anubhidhiyate tatasya harti prakyam vayur navam evambhasi. भगवान कृष्ण कह रहे हैं 267 कर रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो विभक्त का दिव्य प्रकृति पथ पर से विपत कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों का कृष्ण भावनामृत में लगना रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यहां सही एवं सरल विधि है। ओके, सो भगवान इस श्लोक पे कह रहे हैं कि ठीक है, सो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम एवं भसी। सो इंद्रियाणाम ही चरताम, वेल भगवान कह रहे हैं, भगवान इंद्रियों की बात कर रहे हैं बेसिकली। यहां टॉपिक है इंद्रिय मतलब, और पॉइंट यह है कि इंद्रियां बहुत खतरनाक है। सो इंद्रिया नाम मतलब कि ऑफ कोर्स हमारी, हमको पता ही है कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और प्लस 1 माइंड, 11। तो हम अकेले नहीं है, 11 लोग हमारे साथ हैं, यू कैन इमेजिन उनके साथ, और 11 के 11 हमारे दुश्मन है। नाउ यू आर विद योर एनिमीज, भी वो दुश्मन जो हमारे घर के बाहर है उनसे तो फिर भी लड़ाई कर सकते हो, जो घर के अंदर ही है वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो क्या कहते हैं, घर का वेदी, बस घर के अंदर दुश्मन तो वो तो गए आप काम से। सो एक हमारे घर में ही है, हमारा घर है ना शरीर, यही इसी में बैठे हुए हमारे साथ। और ये क्या करते हैं, इंद्रिया नाम ही चरताम, चरताम मतलब विचरण करते हुए, ये विचरते रहते हैं इधर उधर, विचरते रहते हैं मतलब जैसे जैसे गाय चरती है, तो आप छोड़ दो फील्ड्स में, चरती रहेगी कभी इधर कभी उधर कभी, कोई सेट पैटर्न नहीं होता उसका, छोड़ दो बस चरती रहेगी। ऐसी इंद्रियां अपने अपने भोग विषयों में चरती रहती हैं। पुनः चर्वित चरवणा नाम, भगवान मतलब भगवतम में कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ना कि बार बार क्यों चरती रहती है, इस आशा में कि कहीं जूस थोड़ा सा भी निकल जाए, बस वही आंखें चाहेंगी मैं सुंदर चीजें देखूं, देखती रहूं। आपकी बुद्धि कहेगी इस संसार में कोई सुंदरता नहीं है, आंखें कहेंगी नहीं एक बार शायद निकल जाए फिर देख लेता हूं, नहीं तो ये लड़ाई चलती रहेगी आपकी, क्योंकि आपकी बुद्धि में तो अब भगवान का ज्ञान आ गया, अब बुद्धि में तो ज्ञान आ गया ना भगवान का, तो बुद्धि तो कहेगी नहीं नहीं मत करो मत देखो भैया टाइम मत वेस्ट करो, आंखों कहेगी मत देखो फालतू की चीजें, मगर आंखें कहेंगे नहीं यार हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा आनंद हो, लास्ट ड्रॉप ऑफ टेस्ट वो ले लूं मैं। सो यही मैं ऐसे चलते रहते, कान कहेंगे अच्छी चीजें सुन लें, तो ये क्या होता है आंखों में इंद्रियों, कान नाक आंख हाथ पांव, इसमें ना फिर हमारी हैबिट बन चुकी है, चरता मतलब कि हैबिट बन चुकी है इनकी, एडिक्ट हो चुकी हैं चीजें, ये चीजों से देखने की सुनने की टेस्ट लेने की एडिक्शन हो चुकी है, इट्स अ पावरफुल हैबिट। इंद्रिया नाम ही चरता, भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को हैबिट लग चुकी है, गलत हैबिट लग चुकी है इस संसार में इंजॉय करने की, चरता मीन्स इंजॉय करना। वेल और इसके इसका बॉस कौन है, मन, यन मनो अनुविधीयते, और सारे की सारी इंद्रियां जो हैं वो माइंड को सर्व करती रहती है, माइंड इंस्ट्रक्ट करता है कि मुझे दिखाओ मुझे सुनाओ मुझे खिलाओ, और बस फिर हम
उसके साथ साथ चलते रहते हैं। एक्चुअली हमने हमने अपने माइंड को ना सरेंडर किया हुआ है। मन कहता है इंद्रियों से ऐसे करो, हम कहते हैं ठीक है, माइंड कह रहा है ठीक ही है, कर लो बस। अगर हमारी बुद्धि रिवोल्ट भी करेगी तो माइंड जीत जाएगा। अनुविधियत है एक्चुअली, इज अ वेरी ये जो शब्द है अनुविधियत है, मतलब विधि, विधि से आ रहे हैं, विधि मतलब प्रोसेस, प्रोसेस। अनुविधियत है मतलब प्रोसेस में लगा रहता है, इसी प्रोसेस में लगा रहता है माइंड। बस कुछ ना कुछ किसी तरह कहीं से मुझे इंजॉयमेंट मिल जाए बस। तो वो पता है क्या है, वो माइंड क्या करेगा, माइंड मतलब आपके आपके आपकी आत्मा गाएगी, बुद्धि गाएगी भी देखो भक्ति करो। तो माइंड कहेगा ठीक है चलो 23 घंटे भक्ति कर लो, 1 घंटा मुझे दे दो, लेट्स हैव अ डील लाइक दैट। कोई नहीं, तुम सुबह 6 घंटे चैंटिंग करो, भागवत पढ़ो, ये करो, बस 1 घंटे दे दो मुझे, 1 घंटे बस थोड़ा रिलैक्स कर लो, इधर उधर देख लो। तो आप कहोगे मैं 1 घंटा भी नहीं दूंगा, तो कहेगा चल एक मिनट ही दे दो। सो आप सब कुछ कर रहे होगे, बड़ा भगवत गीता पढ़ रहे होगे, गीता पढ़ रहे हो, चैंटिंग सब कुछ चल रहा होगा, फिर कहोगे चल ठीक है यार 1 मिनट मैं फोन पे कुछ देख लूं, ऐसी बस 1 मिनट ऐसी कुछ इधर उधर का मटेरियल, बस ठीक है चलो हो गया। बट दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, वो माइंड 1 मिनट में ही सारा अपनी भड़ास निकाल लेगा। वो 1 मिनट में निकाल लेगा सारी भड़ास, और आपके आपकी आत्मा वीक हो जाएगी, वीक होती रहेगी, करोड़ करेगा माइंड धीरे धीरे, उसको कुतरेगा धीरे धीरे। करोड़ समझते हो, करोड़ क्या कहते हैं, घिसता, करोड़ नहीं, करोड़ घिसना नहीं होता, मतलब जंग, जंग के बारे में कहते हैं, संस्कृत का है। इरोजन है, करोट कहते हैं। तो रस, ट्रस्ट ले जाते, करोट सिंपल तो है, करोट हो सकता है मुश्किल हो, करोजन पता होता है लोगों को, कम होता है यूज, कम होता है, यू राइट, करोजन होता है शायद, वो भी शायद कम होता है, इरोजन होता है। तो ओके फाइन, सो जैसे जैसे जंग लगाता है लोहे पे, तो जंग खाता रहता है धीरे 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 धीरे, ऐसे माइंड आपका संकल्प वीक करता रहेगा करता रहेगा। आप कहोगे 1 मिनट से क्या, 1 मिनट से बहुत बड़ी बात हो गई, आपकी आत्मा 1 मिनट वीक हो गई, फिर अगली बार 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर प्रॉब्लम, फिर वो स्ट्रांग बनता जा रहा है, एनिमी स्ट्रांग बनता जा रहा है। सो कृष्णा कह रहे हैं वेल, आप कहोगे ठीक है 1 मिनट से क्या प्रॉब्लम है, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं 1 मिनट से क्या प्रॉब्लम है, तदस्य हरति प्रज्ञां। 1 मिनट देने से प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी प्रज्ञा हर लेगा। प्रज्ञा मतलब पता क्या होता है, बुद्धि, मतलब अलर्टनेस, बुद्धि हर लेगा धीरे धीरे, बुद्धि की कन्विक्शन कम हो जाएगी। अभी तो बुद्धि कह रही है मत करो भोग, आपने 1 मिनट दे दिया, फिर बुद्धि वीक हो जाएगी, फिर अगली बार बुद्धि कहेगी मत करो, तो मन कहेगा ठीक है 1 मिनट से क्या जा रहा है, बुद्धि कहेगी चलो ठीक है, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, धीरे 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 क्या होगा, आंखों की जो माइंड की पावर बढ़ जाएगी, फिर एक दिन आप रोक नहीं पाओगे माइंड को, फिर नहीं रोक पाओगे, मतलब एक लिमिट होती है, एक उसको उसने पार कर लिया, फिर वो खींच के ले जाएगी आपको। तदस्य हरती प्रज्ञा, हरती मतलब जैसे जैसे मैजिशियन नहीं होता, अबरा कटाबरा खत्म गायब, ऐसे ही आपको सीन से गायब कर देगी, गायब टेम्पल से गायब। एक दिन अब बैठे यहां पे, वो मन कहीं और, गायब पूरा ही गायब हो जाओगे आप, फिर बॉडी भी गायब हो जाएगी। सो दैट्स अ वेरी, हरना हरती, तदस्य हरती प्रज्ञा, भगवान भी हरते हैं और मन भी हरती है, दैट्स व्हाई दिस हरी हरी, तभी तो कहते हैं हरी को, भगवान हरी भी हर लेते हैं और मन भी हरता है, दोनों एक्चुअली। भगवान ने अपनी जो हरने की जो थोड़ी सी कैपेसिटी है वो मन को दी हुई है, मतलब मन कैसे हर लेता है, उसमें गुण कहां से आया, भगवान ने दिया हुआ है, भगवान ने अपना एक गुण मन को दे दिया। ओके टेक इट, इसलिए मन में पावर है हरने की,
मगर ऑफ कोर्स भगवान के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है ना. सो अगर आप भगवान से जुड़े रहोगे तो भगवान आपका मन हरेंगे, उनके रूप, उनके गुण. और अगर भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मन हर लेगा. बस तो हमारे ऊपर है, मतलब वैसे तो भगवान में आधा कैपेसिटी है, मगर अगर भगवान से दूर ही रहोगे तो फिर प्रॉब्लम है ना भाई. अब सूरज भी जलाता है, मोमबत्ती भी जलाएगी, मगर अगर आप हाथ मोमबत्ती के पास रखोगे तो क्या होगा, क्योंकि सूरज नहीं जला रहा, देखो वो तो इतनी दूर है क्या जलाएगा. तो ऐसे ही है, तो आप जिसके पास रहोगे वो फिर ज्यादा इफेक्ट आने लगेगा, वो वहां पे फिर. तो हमारे ऊपर है, बस हमारे ऊपर है हरती. अगर आप कृष्ण से कहो कृष्णा प्लीज मेरा मन हर लीजिए, मान कहेंगे ओके यस मैं तो तैयार हूं. माया भी रेडी है पीछे से. नहीं, अगर भगवान के पास नहीं जाएंगे तो माया हमें पकड़ के ले जाएगी. वो क्या श्लोक है, कृष्ण भूलिया जीव भोगवान चा करे, निकटस्ते तारे माया झपटिया धरे. बंगाली है. जैसे ही हम सोच, जैसे ही कोई इंद्रिय सोचेगी चरतम, इंद्रिया नाम ही चरतम, जैसे कोई इंद्रिय सोचेगी चलो मैं चरता हूं, मुंह कहेगा फ्रिज खोलो चरो चाप चाप चाप. बस जैसे ही आप सोचोगे माया पीछे खड़ी है, पकड़ लेगी, अपने दुबोच में ले लेगी. बस फिर आपकी बुद्धि कहेगी नहीं 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 नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते. जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं ना, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब बिल्ली पकड़ते चूहे को तो क्या होता है, या जब जो तो चूहा क्या करता है, ची, 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 उसको पकड़ के ले जाती है. कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ नहीं कर सकता. नहीं ओके सो दैट्स हाउ इट गोस. तो ऐसी माया भी है, जब पकड़ेगी ना तो फिर हरे कृष्णा भूल जाओगे आप, ये तो ची 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 निकलेगा. फिर तो फिर भोग कराएगी माया, पकड़ लेगी, कहेगी खा तू, अब तुझे खिलाऊंगी मैं, अब तू सारे श्लोक लगा ले कोई काम नहीं आएंगे. श्लोक लगाते ही रह जाओगे लगाते ही रह जाओगे आप. वो पेस्ट्री मुंह में जा रही होगी, आप श्लोक बोल रहे होगे, नहीं आत्मेंद्रिया प्रीति वाचा धरे प्रेम प्रीति काम, कृष्णेंद्रिया प्रीति अच्छा धरे प्रेम नाम. फिर उसके बाद दूर चला जाएगा, फिर से आ जाएगा, फिर श्लोक आएंगे, इंद्रिया नाम ही चरता मन मनोविधिया थे. मगर एक्चुअली आपका हाथ माया ने पकड़ा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उसी के अंदर डाल देगी. नहीं कर सकते आप. तो इसलिए भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को स्ट्रांग मत होने दो. तदस्य हरति प्रज्ञाम, वो आपके मन और प्रज्ञा को हर लेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर एक बार बुद्धि हर जाएगी तो फिर सब डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो गई. नहीं, डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना तो फिर आप वो कर रहे हो तो जब नहीं चाहते, जैसे गुस्से में बुद्धि खत्म हो नष्ट हो जाती है ना, तो फिर आप वो कर रहे हो तो जब आपको नहीं करना चाहिए, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. इसलिए भगवान कह रहे हैं, भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं वायु और नावम एवं भस्य, एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं. तो क्या है मतलब, तो नावम मतलब नाव, एवं भसी मतलब जल में, अम्बा मतलब जल, तो वायु. जैसे जल में अगर नाव है तो वायु उसको कभी इधर ले जाती है, वायु की तो कंट्रोल में है, विंड इधर ले जाती है, इधर ले जाती है, इधर ले जाती है. अगर ऐसी छोड़ दो नाव को तो इधर उधर जाती रहेगी वो. तो ऐसे ही यहां पर है, अगर इंद्रियों को ऐसे ही छोड़ दोगे तो माया उसको कभी इधर ले जाएगी, कभी उधर ले जाएगी, कभी इधर कभी उधर, आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो बेस्ट आइडिया क्या है तो अगर आपको नाव को कंट्रोल करना है तो क्या करना है, हवा तो चल रही है, हवा को तो नहीं रोक सकते, नहीं बांधोगे तो चलेगी कैसे. आपको समुद्र पार भी करना है मगर हवा भी चल रही है और आप चाहते हो नाव इधर उधर ना जाए, तो व्हाट यू डू. पतवा क्या होता है, पतवा वो नहीं होता, याक वो है, पाल बोलते हैं उसको, नाव पे वो लगाते हैं ना ऐसे करके, कपड़ा लगा दो और फिर उससे आप डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो, फिर नाव उधर उधर नहीं जाती. इसलिए भागवतम कह रही है कर्ण धारम, एक कैप्टन होना चाहिए और एक पाल होना चाहिए. पाल कहते हो क्या कह रहे हो, पाल ही कहते हैं ना, वो याक वो होना चाहिए और कैप्टन होना चाहिए.
जिसको वो कंट्रोल करना आता है, तो फिर बस आपका चलेगा। तो अम्बरीश महाराज का प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अम्बरीश महाराज ने यही किया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि समस्त इंद्रियों का कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए। अम्बरीश महाराज ने वो पतवा लगाया और एक कैप्टन लिया। तो कैप्टन कौन है? कैप्टन गुरु है, गुरु है जिसको वो पतवा चलाना आता है। वो पतवा क्या है? वो भक्ति है, कृष्ण भावना अमृत। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, बस सिंपल हो गया। वो भक्ति का पतवा है, वो आप ले लो, उससे आपकी लाइफ इधर उधर नहीं जाएगी। मगर उसके लिए आपको गुरु करना धारण, गुरु चाहिए तो वह कंट्रोल कर पाए। बस अम्बरीश महाराज ने ऐसे किया, अम्बरीश महाराज की लाइफ सक्सेसफुल है। उससे आपकी सारी इंद्रियां एक ही डायरेक्शन में जाने लगेंगी, इंद्रियां भगवान में इधर उधर डिविएट नहीं होगी, भगवान में लगी रहेंगी। एंड देन यू कैन परफेक्ट योर लाइफ। तो गुरु के अगर आप ऑर्डर्स फॉलो करोगे, गुरु कैप्टन मतलब डिवोटी एसोसिएशन बेसिकली, और भक्ति मतलब भगवान के ऑर्डर्स। सो अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, अदरवाइज तो इट्स प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई विल स्टॉप हियर, कुछ लोग तो खत्म हो गए। इसके बारे में वेल, अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगाई थी। एक श्लोक है भागवतम में बहुत फेमस, किसी को पता है? मना वही कृष्ण पदार विंदे वचाम सी वैकुंठ गुणार नोल। भागवतम में लिखा है कि अम्बरीश महाराज ने सबसे पहले अपने मन को भगवान की सेवा में लगाया। ऑफकोर्स मगर मन इतनी आसानी से नहीं लगता, तो मन को लगाने के लिए उन्होंने वाचाम सी वैकुंठ गुणानु वाणी से शुरू किया। तो अगर आपको इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी है तो स्टार्ट वाणी से होगा। तो वाणी से भगवान के गुणगान गाना शुरू कर दो बस। अब इंद्रियों में अब हमारे पास 11 एनिमीज है ना, 11 इंद्रियों का एक मन हो गया, तो पहले कहां अटैक करोगे? ये बात है बस, पहले किस पे तीर चलाओगे? तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मन पे अटैक नहीं कर सकते आप। मन तो बॉस है, आपका तीर फेल हो जाएगा, वो गलत स्ट्रैटेजी है। पहले सबसे वीक पॉइंट पे अटैक किया जाता है, स्ट्रांग पॉइंट पे अटैक नहीं आता। आप लड़ाई करना नहीं जानते ना, इसलिए लड़ाई ऐसी करते हैं। सो क्योंकि अगर आपने कमजोर व्यक्ति को हरा दिया ना, तो अब जो स्ट्रांग आदमी है उसका हौसला टूट जाता है, वो डर जाता है। मतलब मान लीजिए 4 लड़के आ गए, तो मान लीजिए सिद्धार्थ भी आ गया उसके साथ लड़ने के लिए, तो जो तो हम पहले उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, इसको पकड़ के पीट देंगे। तो वो डर जाएंगे, आधे तो ऐसे ही डर जाएंगे, यार इसको बहुत बुरी तरह पीटेंगे। मतलब हाथ पांव तोड़ देंगे और पैर तोड़ देंगे, तो फिर मतलब इसका बुरा हाल कर देंगे, तो वो तो डर जाएंगे। नहीं, ये तो खुंकार लोग हैं, खुंकार समझेंगे ना वो। तो इसलिए पहले वीक पे अटैक करके उसको इतनी बुरी तरह मार दो, पीट दो, काट दो कि वो डर जाए, तो आधा हौसला टूट गया, फिर आप हरा सकते हो। ये तरीका होता है लड़ने का, क्योंकि आप स्ट्रांग से लड़ोगे तो प्रॉब्लम है। ये आप कुंफू क्लास करोगे ना, पहला वही टिप देते तो मैंने सीखी है ना लड़ाई, इसलिए मुझे पता है। ऑफकोर्स सीखने से कुछ नहीं होता, बट तो शास्त्र कह रहे हैं सबसे वीक है वाणी, वाणी पे अटैक करो आप, क्योंकि बाकी तो स्ट्रांग है ना, मन स्ट्रांग है, भूख भी स्ट्रांग है, भूख को आप नहीं कर सकते आप। और फिर उसके बाद हाथ, मतलब ये उसके बाद आंख भी बहुत स्ट्रांग है, आंख कैसे रोकोगे आप? मतलब सुनना भी, वो म्यूजिक सुनना भी, सुनना हमें दूसरों की निंदा सुनना, ये सुनना वो बहुत स्ट्रांग है, आप ज्यादा कर नहीं पाओगे। अगर आप किसी की बात नहीं सुनो ना, फोन वोन बंद कर दो, पागल हो जाओगे एक दिन में आप। सुनना वो नाक स्ट्रांग है यानी पता नहीं, नाक ऑक्सीजन नाक भी स्ट्रांग है, दूसरों के दोष सूंघ सूंघ के आप वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे लगता है कि भगवान हम लोगों को पानी में गिरा दिया है जबरदस्ती,
एक अलवार यही कह रहे हैं, एक अलवार भगवान से कह रहे हैं, भगवान आपने हमें पहले डाल दिया है, फंसा दिया मन के अंदर चंगुल में, और अब कह रहे हैं आ जाओ, ये क्या बात है, ऐसे ही कह रहे हैं। कुछ तो हम कुछ करते हैं या कुछ हम नहीं करते, फिर भी वो अंदर से आता है, ये भी तो प्रॉब्लम है एक्चुअली। या ये भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत है, बट हमने क्रिएट किया है। नहीं, मैं भगवान तो कह रहे थे मत जाओ पानी में, आपने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, मैं तो जाऊंगा, मानने का ले जाओ, फिर यही हुआ है, और क्या हुआ, ऐसे ही हुआ है भाई। अब मान लीजिए जो 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 फुल टाइम बनना चाहते हैं हमारे साथ ब्रह्मचारी, हम कहते हैं भी बेटे मत शादी कर, फंस जाएगा, पूरी लाइफ फंसा रहेगा। अगर नहीं यार बहुत सुंदर है वो, बहुत ही सुंदर है, कहेंगे तुझे पता लगेगा अभी क्या सुंदर है। तो उसके दिमाग में तो घुस नहीं रहा कुछ, ऐसे होता है नहीं होता है। वेल ब्रह्मचारी हैव टू थिंक लाइक दिस, नहीं ब्रह्मचारी नहीं सोच सकता कि स्त्री बहुत अच्छी है। जस्टिफिकेशन देते होंगे कि सारे संत बड़े-बड़े गृहस्थ, हाँ वही वही, फिर सारे लॉजिक आते हैं, देखिए भी हाँ भक्तियों ठाकुर भी शादीशुदा थे, अद्वैचारी शादीशुदा थे, सब अच्छी भक्ति कर रहे थे, तो हम दो हमारे दो होंगे, वो भी भक्त होगी, मैं भी, हम दोनों भी भक्त होंगे, छोटा मंदिर होगा हमारा, एंड देन दे एवर लिव्ड हैप्पीली। बट वो नहीं सुनता, ऐसी भगवान शादी कर लेता है वो, फिर और हर व्यक्ति जो जिससे मैं बोलता हूँ जो शादी करता है, एक हफ्ते बाद वो आके 100% मुझसे कहता है प्रभु फंस गया मैं। ये 100% है, एक हफ्ते बाद ही बस। मतलब पहले तो उसको बहुत लग रहा था, एक हफ्ते बाद ही वो फोन ही आता है मेरे पास कि प्रभु किसको उठा के ले आया, मैं कहाँ फंस गया मैं, अब इसको पालना पड़ेगा। ठीक है पालो, होता ऐसे ही है। तो अब नहीं, अब तो किसने फंसाया उसको, हाँ बस। अब वैसे वो हमसे पूछता है शादी करो, हम समझाते नहीं समझता, तो हम बोलते हैं शादी कर ले, हम ही बोलते हैं शादी कर लो, और हम जाते भी उसकी शादी में, उसको आशीर्वाद भी देते हैं। मगर अब वो कहेगा प्रभु जी आपने फंसाया, आपने आशीर्वाद दिया था आपने, वेल हमने एक्सप्लेन किया था, तुमने नहीं सुना तब हमने तुम्हें सपोर्ट किया, तुमने नहीं सुना ना तब सपोर्ट किया, तो क्या करते हैं? अगर हम ज्यादा ही मना करते रहते तो फिर भी तुम शादी करते और हमसे भी टूट जाते है, नहीं तो वो प्रॉब्लम होती। इसलिए हमें लगता है कि भगवान कर रहे, मगर एक्चुअली नहीं, हमने किया है, हमने बहुत हट की, तो फिर भगवान ने सपोर्ट कर दिया, अभी ठीक है, तुम करना आते ना तो मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर सकता हूँ, कर लो, देखो फिर अब क्या करें बताओ। सो इट्स नॉट हिज फॉल्ट एक्चुअली। जो कालिया भी ऐसी कह रहा था, कालिया को भगवान ने बहुत मारा ना, कालिया नहीं नाक के ऊपर नाचे बहुत, नाचते नाचते उसको बुरा हाल कर दिया, उसके मुंह से खून निकलने लगा, तो उसकी पत्नियों ने कहा कि हमारे हस्बैंड तो मर जाएंगे, तो नाग पत्नी आ गई, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की भगवान प्लीज माफ कर दीजिए। तो नाग पत्नी ने लॉजिक कहा, नाग पत्नी ने कहा कालिया की गलती क्या है भगवान, ये तो वैसी खाल है, सांप है, एक तो सांप वैसी द्वेषी होता है, तो इसका स्वभाव ही ऐसा है, अब आपने ऐसा बनाया है तो अपने स्वभाव से अगर द्वेष करके वृंदावन में आके इसने ऐसा कर दिया तो इसकी गलती है। तो भगवान ही सुन के हंस रहे थे, भगवान फिर हंसने लगे कि ठीक है चलो, मतलब मैं माफ तो कर ही दूंगा, क्योंकि अब ये समझ गया है कि इसने ठीक नहीं किया, बट प्रॉब्लम यह है कि उसने अपना स्वभाव खुद बनाया है। भी एक ड्रग एडिक्ट को अगर एडिक्शन हो जाए ड्रग की, तो किसने डाली उसको एडिक्शन, खुद ही डाली है ना। अब वो छोड़ना चाहे तो कहेगा नहीं, अब यह तो है, तो यह तो जाके तो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जब वो ड्रग छोड़ना चाहते हैं तो छूटते नहीं है, नहीं छूटती ना ड्रग्स, तो वो कहेगा यार ड्रग मुझे नहीं छोड़ रही, नहीं छोड़ रही, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या है फिर क्या कहोगे? वो छोड़ना चाहता है, ड्रग नहीं छोड़ रही, ऐसा नहीं, उसने हैबिट बना लिया उसकी, प्रॉब्लम उसमें। तो ऐसे ही अब है, अब हम माया छोड़ना चाहते हैं तो माया छूट नहीं रही, वो ड्रग की तरह हम ही माया से चिपक गए थे ना कि अब छूट नहीं रही वो। सो रियलिटी तो ये है, हम ही अपने मिसफॉर्च्यून का कॉज है इस दुखालियम में, दैट्स हाउ इट गोस।
ज्ञान इंद्रियां सिंपल है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों में क्या क्या? ज्ञान इंद्रियों में आता है वो इंद्रियां जिससे हम नॉलेज लेते हैं, तो क्या आता है खुद ही बताओ। आंख आ गई, कान, मतलब जिस भी इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन आई से लेते हैं, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, इसी इन्हीं से तो इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। ये ज्ञान इंद्रियां हो गई। और फिर होते कर्म इंद्रियां, मतलब इंफॉर्मेशन लेके फिर हम उन इंफॉर्मेशन में एक्ट करते हैं। एक्शन कौन करती है? दो हाथ, मतलब हाथ हो गए, पैर हो गए, और स्किन से थोड़े ना एक्शन करते हैं। गाय थोड़े ना हम हिला सकते हैं, गाय कर सकती है। टंग, टंग दोबारा आ गई, एक्ट कर सकते हैं हम, बोल सकते हैं ना। एंड देन आई से क्या एक्शन कहाँ कर लेंगे? क्या आपके आंख से जला सकते हो क्या? वो ऋषि मुनि कर सकते। तो पहले स्टमक, स्टमक लोग भूल जाते हैं। एक्ट मतलब आपने इंफॉर्मेशन ली, आपने खाना देखा, इंफॉर्मेशन गई, तो फिर एक्शन स्टमक के लेवल पे होगा ना। वो गड़गड़ गड़गड़ करेगा अंदर से, आवाज आती है ना कभी कभी लेक्चर में आवाज आती है किसी के गड़गड़ गड़गड़, इतनी भूख लगती है उसको। सो स्टमक और जेनाइटल्स, उद्रपस्थ एक्शन ऐसे चलता है। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, और फिर इसका जो सेंटर है वो मतलब माइंड कह लो, सीपीयू कह लो। ज्ञान इंद्रियों से इंफॉर्मेशन के माइंड पे, फिर माइंड ने ऑर्डर दिया ये एग्जीक्यूट कर लो। तो इस तरह से हमारी बॉडी चलती है, ये कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, दैट्स ऑल। तो इन सबको भगवान की सेवा में लगाना होता है। यहां पे ये बता रहे, एक भी इंद्रिया छोड़ दिया आपने, इंद्रिया नाम ही चरताम, एक भी इंद्रिया छोड़ दी वो आपको खींच लेगी। इन इन दसों की, ग्यारह की ग्यारह चीजों को लगाना है। सो अपनी आंखों को लगाना है अम्बरीश मरा। तो स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट स्टार्ट वाणी से। वो तो वाणी में भी ज्ञान इंद्रिय नहीं, कर्म इंद्रिय के रूप में, बोलने में। सो वहां से आप शुरू करो, तो बोलना शुरू करो, भगवान का नाम बोलो, भगवान की कथा बोलो, बोलते रहो। बस भक्ति संत सरस्वती ठाकुर 10-10 घंटे बोलते थे, फिर भी नहीं रुकते थे, फिर भी बोलना शुरू कर देते थे। मैं बता तो रहा था, फिर भी कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। फिर 8 बजे फिर से कथा शुरू कर दी। कोई आया, किसी ने बोला कि महाराज जी आपके लिए कुछ लाऊं, तो वो सीधा उसी पॉइंट पे शुरू कर दी कथा। क्या लेके आओगे? प्रेम ला सकते हो या नहीं? तो फिर वो 1 घंटा प्रेम पे बोलेंगे, कृष्णा प्रेम क्या है। ऐसे की कथा की जाती है, दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट कृष्णा। सो एक्चुअली पता है कि तो कि कुछ डिवोटीज ने प्रभुपाद को लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि प्रभुपाद यहाँ तो लड़ाई हो रही है मंदिर में, परेशान है, मतलब कोई कथा नहीं कर रहा, से एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं और ये हो रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कथा शुरू करो, कोई नहीं कर रहा ना, तुम ही कर दो। प्रभुपाद ने लिखा कि ये की कला है किसी टॉक को कृष्णा कॉन्शियस टॉक में डाइवर्ट करने की, ये कला है, तुम करो। और प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे इसमें, प्रभुपाद से कोई भी कुछ बात करने आता था, प्रभुपाद कनेक्ट कर देते थे कृष्णा कॉन्शियस से। ये हमें सीखना पड़ेगा। तो तब एक्चुअली आप फिर पूरे एनवायरनमेंट को कृष्णा कॉन्शियसनेस बना सकते हो। तो वाणी से शुरू करो, फिर उसके बाद बोलने से, फिर उसके बाद और क्या है, कर्म इंद्रियों में हाथ, मंदिर मार्जना आदिशु, तो मंदिर को साफ करने में बहुत जरूरी है ये। मतलब आजकल के जमाने में हैबिट नहीं है ना हम लोगों की साफ करने की, वो बाई आके करके चली जाती है। तो आप मंदिर आके साफ कर सकते हो। एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है जैसे जैसे मंदिर साफ करोगे वैसे वैसे हृदय साफ होगा। बहुत पावरफुल एक्टिविटी है क्लीनिंग, मतलब छोटी सी लगती है ये, क्या हम साफी, तो आप सोचोगे चैंटिंग कर लें इसकी बजाय, एक माला और घुमा लें, क्लीनिंग में क्या है? मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, मुझे पता है इसकी क्लीनिंग की पावर क्या है। हरे कृष्ण, नहीं जतिन को पता है, क्यों जतिन क्लीन करता रह नहीं रहता, क्लीन करते नहीं रहते हम। मैं करता रहता हूँ क्लीनिंग, क्योंकि मुझे पता है ना, आप मंदिर में
अब मंदिर में इतना सा भी क्लीन करो ना तो भगवान ओब्लाइज हो जाते हैं। भगवान कहते तूने मेरा मंदिर क्लीन किया है, मैं तेरा हृदय क्लीन करूंगा। भगवान बैठे है ना, ये कोई ज्ञानी प्रोसेस नहीं है, जो हम ये सतोगुण वाली बात नहीं कर रहे। भगवान देखते हैं ना, मेरा घर साफ किया है, मैं तेरा घर साफ करूंगा। हमारा घर तो यही तो है, अंदर मन ही तो है। सो दैट तो हाथ से मंदिर साफ करो और पैर से क्या करो, मंदिर जाओ। एक भक्त था, एक पता नहीं बहुत पहले नोएडा में ही था, कहते था पैर से क्या सेवा करे, तो कहते था पैर से लात मारूंगा। तो लात क्यों मारोगे, ये क्या सेवा है? तो कहता था कि कहता कोई सेवा नहीं करेगा तो उसको मारूंगा, ये मेरी सेवा है, उसको सेवा कराऊंगा। अजीब अजीब आइडियाज होते हैं लोगों के ना, बहुत बहुत फनी फनी आइडियाज। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहा, बट सबके आइडिया। सो पैर से क्या करना है, पैर से आप मंदिर आ सकते हो, वो सेवा है। पैर से आप कर सकते हो और क्या कर सकते हो, पैर से डांस कर सकते हो, एंड एनीथिंग एल्स। पैर को कैसे सेवा में लगाओगे? और यू डू दंडवत में क्या है, पैर है क्या? दंडवत में कोई पैर नहीं है, देयर इज नथिंग अबाउट दैट। ओके, तीर्थयात्रा, परिक्रमा, दैट्स ये इस क्लासिकल एग्जांपल्स हैं ये शास्त्रों में। परिक्रमा का स्पेसिफिक एग्जांपल दिया जाता है, पैर को भगवान की सेवा में लगाना, मंदिर की परिक्रमा। सो ये कर सकते हो। और कौन सी कर्म है, हाथ हो गए, पैर हो गए, मतलब टंग हो गए, वाणी हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए, और स्टमक, टंग तो हो गई ना, वाणी नहीं, पहले कर्म इंद्रिया की बात कर रहे हैं। स्टमक को भगवान की सेवा में लगा सकते हो, वो कैसे लगाओगे, वो बड़ा ट्रिकी है। कहेगा मैं सेवा कर रहा हूँ, देखो प्रसाद खा रहा हूँ। वो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, कुछ इंद्रियों में ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ट्रिकी होती है। तभी तो भगवान कह रहे हैं इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अभिधीयते। भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा ट्रिकी है उसमें, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि मैं सेवा में लगा रहा हूं या भोग कर रहा हूं। सो वो फिर आपको स्टमक को सेवा में लगाना आना चाहिए, तरीका वो होता है। तो फिर उसके लिए आपको शास्त्र देखने पड़ेंगे कि मैं कितना स्टमक को दूं, कितना नहीं खाऊं, कहां रोकना है, कहां नहीं रोकना, ये सब क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज फंस जाओगे आप। और फिर जेनाइटल्स को आप बच्चे, अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करने में, जो कि कृष्णा कॉन्शियस हो सके, एटलीस्ट गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए नो यूज, यू जस्ट स्टॉप इट, दैट्स ऑल, नो यूज, थोड़ा खतरनाक है, नो यूज, यू कैन एंगेज, दैट यू हैव टू स्टॉप। उसके बाद और क्या है जी, नहीं कर्म इंद्रियां हो गई ना, और फिर ज्ञान इंद्रियों को फिर लगाओ आप, आंखों को भगवान के सुंदर रूप देखने में। और कैसे लगा सकते हो आंखों को, और कैसे लगा सकते हो, पूछ रहा हूँ मैं, क्या कहते हो, भक्तों का दर्शन करने से। यस, भक्तों का दर्शन, भक्तों को देखने से भी शुद्ध होते हैं, वो हम सोचते नहीं है, वैसे तो भगवान को ही देखते हैं, एक्चुअली डिवोटीज को देखने से शुरू होते हैं। इसीलिए हमारे, मतलब हम उनको देखेंगे, वो भी तो हमें देखेंगे, तो हमें भी अपने आप ऐसे बिहेव करना चाहिए कि लोग हमें देखकर प्योर फील करें और उत्साहित हो। यू सी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई देख रहा हो लटके हो गया क्या। यू शुड बी एक्टिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आंखों को सबसे बड़ा काम है शास्त्र पढ़ना, आंखों को सेवा, शास्त्र पढ़ने में ऑफ कोर्स, या सबसे बड़ा काम है सबसे शास्त्र को पढ़ने में, यू आर राइट, डिवोटीज को देखने, उसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी मामला है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसमें विवेक चाहिए, बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। आप कहोगे मैं आंखों को सेवा में लगा रहा हूं भक्तों को देखने में, तो मैं माता जी को देखूंगा, कितना अच्छा है, वो आफ्टर ऑल वैष्णवी है, वो भी होता है ऐसा, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ऐसा होता है, मतलब लोग पागल हैं कलयुग में, लोगों में इंटेलिजेंस नहीं है,
बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है, ऐसा भी होता है। सो यू सी द पॉइंट, आप सेवा में तो लगाओगे मगर फिर उसके लिए विवेक चाहिए आपको, आपको पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है आंखों को, फिर उसके बाद कान को सेवा में लगा सकते हो कीर्तन सुन के, बट देन यू हैव टू बी केयरफुल कहीं आप कहीं आपके कीर्तन के म्यूजिक में तो नहीं खो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि हमने इस कॉन में देखा है कि कई 24 घंटे कीर्तन सुनते हैं डिवोटीज मगर एक रंच मात्र की एलिवेशन नहीं होती, क्योंकि वो म्यूजिक में घोए होते हैं, नहीं ट्यून्स में म्यूजिक में वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो आप सेवा में, सेवा पॉइंट है उनको सेवा में लगाना, उनको भोग में नहीं लगाना, तो उसके लिए आप विवेक होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कृष्णा कौन भक्ति की क्रिया में ही भोग करते रह रहे हो आप, अब वो कैसे पता लगेगा वो अभी पॉइंट आएगा, बट दैट्स अ पॉइंट देयर। कीर्तन सुनते हुए प्रभु जी अगर भगवान के रूप में कोई खो जाए, खो क्या जाए, इज दैट रॉन्ग थिंग, रूप में खो जाए मतलब क्या है, मींस उसके मन में ऐसे छवि आ रही है भगवान के प्रति, अगर कीर्तन में इतना इन्वॉल्व हो गया है, अच्छा दैट्स ओके, बट द पॉइंट इज कि इफ यू आर कि हियरिंग और छवि आती जा रही है और आप सेवा ही भूल गई तो वो प्रॉब्लम है, वो खोने का मतलब हो गया है। जैसे हम भजन सुन रहे हैं उसमें दो कैटेगरी के भजन है, मान लीजिए एक में शब्द तो ही है और एक में म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सुंदर है, बहुत कैची है, और एक एक भजन में इतना कैची नहीं है तो कान तो ही जाएगा, जो बहुत मेलोडी ऐसा है जिसमें म्यूजिक हो तो जाएगा, तो फिर वो नहीं सुनना चाहिए। अगर अगर हमारा अगर आपको पता लग रहा है कि आपका माइंड म्यूजिक में ज्यादा जा रहा है तो बंद कर दो, वो वाला मत सुनो कीर्तन। इतना सोच हम कर सकते हैं क्या? हाँ वही वही तो भगवान कह रहे हैं, वही तो भगवान कह रहे हैं कि आई विल हेल्प यू दामी बुद्धि हो कम दम, आई विल हेल्प यू, मैं अंदर बैठा हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों नहीं फेथ कर रहे? हम नहीं कर सकते मानता हूं मैं, मगर भगवान जिसके साथ है वो कर सकते हैं। भगवान से प्रे करोगे आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, वो हो जाएगा। सो कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं आई विल गाइड यू, गाइड यू। भगवान भगवान अगर आप भोग में पड़ोगे भगवान रोकेंगे भी अंदर से, आप देखना भगवान रोकेंगे अंदर से, आवाज आएगी नहीं आएगी स्टॉप इट गलत कर रहे हो, और पावर भी दे देंगे। यस तो इट हैपेंस। कीर्तन भी प्रभु जी कई प्रकार के होते हैं, कोई स्लो कोई फास्ट कोई बहुत शोर शराबे वाला, कौन सा ठीक है? शोर शराबा मतलब एक होता है फुल ऑफ पावर, मतलब पावर एकदम, वो क्या होता है मतलब बहुत जोर शोर से एकदम, वो डिपेंड देखो आप पे डिपेंड करता है, अगर एक होता है स्मूथ वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महाप्रभु कीर्तन करते थे उद्दंड कीर्तन, महाप्रभु के अनुयायी, वो कोई नहीं है, बस ये है कि माइंड होली नेम में लगना चाहिए, म्यूजिक म्यूजिक में नहीं जाना चाहिए। म्यूजिक सपोर्ट करता है, म्यूजिक उसको मतलब म्यूजिक उसको ओवर पावर नहीं कर लेता, वो गलत है। ऐसे कभी 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 कीर्तन क्या होते हैं इस्कॉन में इंस्ट्रूमेंट्स बजते रहते हैं, हरे कृष्ण सुनाई नहीं देता, वो उसको पता ही नहीं लग रहा, वो बेकार ही है, होली नेम ही उड़ गया। सो चाहे आप तेज करो चाहे जैसे करो, होली नेम मेन होना चाहिए तो बहुत अच्छा। अगर म्यूजिक अच्छा है सपोर्ट कर रहा है आपका मन होली नेम में लग रहा है, वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अगर बिल्कुल ही कहीं और ले जाए म्यूजिक तो बड़ी प्रॉब्लम है फिर तो। नहीं मेरे ख्याल से इसी वजह से शायद कीर्तन में सिर्फ करतार और मृदंग यूज किया जाता है। हाँ इसीलिए शिला प्रभुपाद ने कहा है कि कीर्तन में करताल मृदंग और हारमोनियम मैक्सिमम ट्रेडिशनल है, उससे ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। इस कॉन में ऐसे बोंगो यूज कर रहे हैं, पी 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 ट्रम्पेट, वो सब फिर म्यूजिकल कंसर्ट हो जाएगा। सिंथेसाइजर गिटार अगर, हाँ वो सब तभी तो मना किया था आचार्यों ने, प्रभुपाद ने मना किया, ये आप ट्रेडिशनल करो और इसको भी आप सपोर्ट के लिए बजाओ पीछे से नाइसली, तो होली नेम में मन लगता है, यू सी। सो दैट्स हाउ कीर्तन गोस। ओके सो दैट्स अबाउट कानों को भगवान के भजन सुनने में, कीर्तन कथा सुनने में कानों को, और उसके बाद और क्या है ज्ञान इंद्रियों में? और
टंग हो गई, टच टच हो गई, तो टच को कैसे लगाओगे सेवा में? आलिंगन आया है? नहीं नहीं, हाँ मुझे पता है, तो वही मुझे वो चेंज कर देना चाहिए मुझे लगता है, मुझे पता है, मैं तो कभी ना करूँ यार, कौन करता फिर? अलग से लगा कि आलिंगन होता है कि वाणी पर बोल रहे हैं, अटैचमेंट मत हो। नहीं, अब तो अभी तुम हाथों को कर रहे हैं, हाथों को कैसे सेवा में लगाएं? भगवान को शिक्षा बनाने में और क्लीनिंग करने में, टेंपल सफाई कार्य भगवान की सेवा की, भगवान के लिए कपड़े बना के, मतलब भगवान फ्लावर्स, डीटी वर्शिप में हाथ हाथ सेवा में लगते हैं, टच यूज होता है, डीटी वर्शिप क्लासिकल एग्जांपल है, हाथ को ही तो काम है वहां, इसलिए आप मंदिर में से आप लोग घर में हो तो सुबह सुबह मंदिर में आप पूजा करो तो आपके हाथ यूज में आएंगे, वरना यूज में नहीं आएंगे ना आपके हाथ। आप लोग करते हो क्या सुबह सुबह? चैंटिंग में आते हैं, कम आते हैं, मगर चैंटिंग तो टच आता है, मगर वो थोड़ा इनसिग्निफिकेंट सा ही है। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो डीटी वर्शिप में आ गया पूरा, कुकिंग में और डीटी वर्शिप में, कुकिंग डीटी वर्शिप दो चीजें जिसमें टच सेंस यूज हो जाएगी आपकी। और फिर उसके बाद टंग टंग खाने में, वो तो हो गया प्रसाद, नहीं अच्छा ज्ञान इंद्रियों में, हाँ टेस्ट, टेस्ट को कैसे करोगे? टेस्ट का एग्जांपल क्या है, क्लासिकल एग्जांपल है टेस्ट का क्या है? तुलसी, भगवान के चरण में तुलसी लगी है, उसको टेस्ट करना, एग्जांपल क्लासिकल यही है, यही उसके प्रभुपाद ने। और फिर प्रसाद, प्रसाद टेस्ट करने में भगवान की सर्विस, जब हम प्रसाद टेस्ट करते हैं तो भगवान के गुणगान गाते हैं, कितना सुंदर भगवान ने टेस्ट डाला है ना, मतलब जो बनाने वाले थोड़ा टेस्ट डाला है, वो तो वो कहावत है ना, मिर्च मसाले का काम बड़ी बहू का नाम कहते हैं, वो ऐसा होता है, तो टेस्ट तो भगवान ही डाल रहे हैं उसमें, बनाने वाला तो निमित्त मात्र है बस। सो चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद ऑनर करते थे तो भगवान के लिप्स का गुणगान गाते थे कि भगवान के अधरा अमृत, भगवान ने खाया है ना, भगवान के अधरा अमृत उसमें चला गया, इसलिए मीठा है। That's devotion. Devotion इसको कहते हैं। So, इस तरह से टेस्ट भगवान की सर्विस में लगती है। तो इस तरह से आपकी ज्ञान इंद्रियां भी स्मेल भगवान को फ्लावर्स ऑफर हुए हैं, उसको ऑफर फ्लावर्स को इंसेंस क्या, हाँ तुलसी भी स्मेल करते हैं। सो लाइक दैट आप स्मेल की लगा सकते हो। सो इस तरह से आप ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को भगवान, ऐसे अम्बरीश महाराज ने अपने इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाई। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अब किसी भी इंद्रियों को खाली ना छोड़ दें, बस जैसे ही खाली छोड़ोगे वैसे ही कहीं और भागेगी, बस माइंड ऐसे ही है, जैसे ही खाली छोड़ोगे तो किसी तरह सबको एंगेज करते रहो आप, और बहुत सारी एंगेजमेंट से देखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो हो जाएगा, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मन कर रहा है कुछ देखने का तो भगवान की सुंदर आप भगवान के सामने बैठ जाओ, अगर आप नहीं देखोगे और मन कर रहा है तो फिर आप गलत चीज देख लोगे, टीवी भी देख लोगे कुछ, क्योंकि आंखें तो रुकेंगी नहीं, आंखें कहेंगी मुझे देखना है, आप कहोगे नहीं 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 नहीं, कितना रोकोगे आप, नहीं रोक सकते आप, फिर आप टीवी खोल के चलो देख लो बस। तो उस टाइम जहां पे आपको लग रहा है ना जो इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, उसको इमीडिएटली ज्यादा सेवा में लगाओ, ये विवेक है। तो आंखों का, अगर कानों का मन कर रहा है कुछ सुन लो तो इमीडिएटली मंदिर भाग के आ जाओ, कीर्तन सुन लो या घर में कीर्तन लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टंग का मन कर रहा है कुछ खाऊं, छोले भटूरे डोसे वोसे कुछ ऐसी, मतलब सब सपने आ रहे हैं छोले भटूरों के, कहीं होता है डिवोटीज को कहते हैं हमारे तो भैया बस रोका नहीं जा रहा, तो क्या करना चाहिए?
नहीं तो क्या करो, तो आप जो आइटम आपका मन कर रहा है खाने का वो घर में बनाओ भगवान के लिए, भगवान के लिए बनाओ, अच्छी तरह ऑफर करो, ऐसे नहीं एक सेकंड चलो हो गया निकालो, वो गलत है, अच्छी तरह बनाओ ऑफर करो, और फिर जब तक आपके पास आएगा आपका मन ही खत्म हो जाएगा, देखना ऐसा हो जाएगा। अगर आप भगवान को खिलाओगे ना अच्छी तरह बनाकर, फिर आपको आएगा आप एक गस्सल हो गए, आप तृप्त हो गए, ऐसे होता है नहीं होता है, तो वो कर लो आप, उसमें क्या है, भगवान को खिलाओगे तो आपकी टंग कंट्रोल में आ जाएगी, बस ये बात है, भगवान के लिए काम करोगे तो आपके हाथ कंट्रोल में आ जाएंगे, तो भगवान के लिए करते रहोगे तो आपकी वो इंद्रियां कंट्रोल में आती रहती हैं। अगर अपने आईज को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, वेल मैंने कहा है कि भगवान को देखो, बट उससे बेटर क्या है, एक्चुअली आप एक स्टेप ऊपर जा सकते हो, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करोगे तो वो इंद्रियां आपकी संतुष्ट रहेंगी। तो अगर आपको अपनी आंखों को परमानेंटली संतुष्ट करना है कि भागे ना, तो क्या परमानेंटली कैसे हो, वो तो एक लेवल है, वो तो आप अपनी आंख एंगेज कर रहे हो ना, आपको भगवान की आंख को सेटिस्फाई करना है, आप ऐसा काम करो कि भगवान आपको देखकर खुश हो जाए, यू सी, तो भगवान की आंख सेटिस्फाई होगी तो आपकी आंख सेटिस्फाई होगी, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। जैसे टंग है, भगवान की टंग संतुष्ट हो गई, आपकी टंग संतुष्ट हो गई, आपने अच्छा खिला दिया, भगवान की आंख सेटिस्फाइड हो गई तो आपकी आंख सेटिस्फाइड हो गई, वो एक हायर लेवल पे फिर सोचा था, भगवान की आंख सेटिस्फाइड मतलब भगवान देख रहे हैं ना, भगवान आपको देख के इंप्रेस होने चाहिए, इसने ये काम कर दिया, वाओ, आपकी आंख बस खत्म, फिर हमेशा के लिए वेग खत्म, भगवान के कान सेटिस्फाई हो गए, आपके कान सेटिस्फाई हो गए, तो आपको कभी भी मन कर रहा है कान सुनने का, भगवान को कीर्तन सुनाओ मंदिर के सामने बैठ के, चलो ठीक है, भगवान को सुनाओ, वो एक्चुअली फुल प्रूफ मेथड है। अगर आप अपने ही लगाते रहोगे ना तो वो फुल प्रूफ नहीं है, वो फिर से रिवोल्ट करेगी, फिर से रिवोल्ट करेगी, वो प्रॉब्लम है उसके अंदर। सो इस तरह से हम सारी इस तरह से कंट्रोल आ जाती है इंद्रियां, समझ गया नहीं, समझ गया, सो दैट्स अ टेक्निक, तो दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। भगवान को सुलाओगे तो आपकी नींद कम हो जाएगी रोज, भगवान को सुलाओगे, वाहन को नींद आएगी, वाहन को नींद कराओगे तो आपकी नींद कम हो जाएगी, ऐसी होता है। अगर पूरी भावना से आपने भगवान को सुलाया तो ये हाँ तो उठना ही पड़ेगा ये बात सही है, तो हमें जल्दी उठना ही पड़ेगा, जल्दी उठोगे तो यही, बस यही टेक्निक है। भगवान के साथ आप जो करोगे वो आपका होता रहेगा, ये भागवतम में लिखा है, भागवतम में लिखा है। शीशा नहीं होता, शीशे में अपनी परछाई देखो, तो परछाई के लिपस्टिक लगाओगे तो किसके लग रही है, अब लगाते तो परछाई को ही हो देखकर मगर लगा आपके रही है, तो ऐसी भगवान की इंद्रियां ऐसे ऐसे जिससे सेटिस्फाई होती रहेंगी आपकी, वो इंद्रियां संतुष्ट होती जाएगी, बस यही टेक्निक है। तो भगवान के टच सेंसेशन को आप सेटिस्फाई कर दो, आपकी टच सेंसेशन सेटिस्फाई होगी हमेशा के लिए, तो वो कैसे करोगे, वो तो आपकी टच सेंसेशन सेटिस्फाई हो रही है ना, भगवान की थोड़ी ना हो रही है, यू सी, वो एक वो है, भगवान की होनी चाहिए, वो फाइनल फुल प्रूफ मेथड है। तो भगवान की टच सेंसेशन को कैसे सेटिस्फाई करोगे, वो प्रहलाद महाराज ने की, नरसिंह भगवान ने बिठाया प्रहलाद को, तो प्रहलाद के सर पे, तो जब आप ऐसी सेवा करोगे तो भगवान आपके सर पे, भगवान की टच सेटिस्फाई होगी, मगर उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइक प्रहलाद, तब सेटिस्फाई होगी। बस इस तरह से इंद्रियां फाइनल कंट्रोल ऐसे ही आता है, स्टार्ट होता है आप अपनी इंद्रियां लगा रहे हो, फिर नेक्स्ट लेवल हायर लेवल होते हैं ना, फिर हायर लेवल है, फिर भगवान की इंद्रियां संतुष्ट करने में लग गए आप, तो फिर फुल प्रूफ होता रहेगा, दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है, नहीं ठीक है, ओके, सो इफ दैट्स इट, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, बस एम्प्टी माइंड डेविल्स माइंड, खाली मत छोड़ो अपने आप को, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है।
हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।